तुमको देखा? मैंने एक्चुअली गाना बनाया था काफी डेढ़ दो साल पहले एंड बहुत टाइम से रिलीज करना था इसको एंड देन वी ऑल केम टुगेदर एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंड. सब लोग हितेंद्र केम टू मी एंड आई मेड हिम हियर द सॉन्ग. उनको बहुत अच्छा लगा एंड वी आर ऑल रियली एक्साइटेड. सब ने बहुत मेहनत की है. टीना इज लुकिंग ब्यूटिफुल इन द वीडियो एंड थैंक्स टू हिम आई एम लुकिंग वेरी नाइस इन द वीडियो. यस ग्रेट टाइम इन दुबई एक्चुअली. सो बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि अनकम्फर्टेबल लगा एंड एक्चुअली दिस थिंग वॉज वेरी न्यू टू मी ऑल्सो. सो आई हैड अ ब्लास्ट एंड आई जस्ट एंजॉयड शूटिंग दिस सॉन्ग. आई एम नॉट ऑल नर्वस. बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इतने बड़े लेजेंड की बेटी हैं आप. इसमें थोड़ा सा डांस मूव दिखाने का मौका मिला है, हालांकि उतना नहीं मिला. कितनी एक्साइटेड थी आप पहली बार आपको इस तरीके का डांस और इस म्यूजिक एल्बम में दिखाने का मौका मिला? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज Hiten being a friend of mine and Aman being a family friend of mine, so it was like, you know, all of us going and doing this song and everything. I wanted to dance a lot more. Mujhe mauka mila nahi, but I'm sure we're going to dance very soon more in the next video. But jitna bhi jo bhi kiya, we actually had a great time because we got along so well. So it was like actually like having a nice party while working in the entire shoot. And dad ne kaisa feedback diya abhi jab video dekha to? Kyunki hum sabko to pasand aaya, unko aaya ki nahi ye? सबसे पहली बात तो दिस वीडियो एक्चुअली हैज़ कम टू मी बिकॉज ऑफ माई फादर. इट्स अ वेरी फनी स्टोरी क्योंकि एक्चुअली मैं एक दिन जिम से आई थी और मैं घर पे बैठ के आई वाज हैविंग माई ब्लैक कॉफी एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग एट होम. अमन हैड कम टू मीट पापा फॉर सम वर्क एंड सडनली पापा जस्ट सेड दैट मैं गाना सेंड कर रहा हूँ, तुम सुनो उसको और मुझे बताओ तुमको कैसा लग रहा है. So that's when I got to hear the song for the first time. So yeah. So I heard the song and I was like, it's very nice, very nice. तो ये अच्छा लगा. I said yes, अच्छा लगा. तो ये चलो आ जाओ, इनको मिलना है तुमसे. And then I went to the bungalow. I met Aman and coincidentally it turned out to be my friend was a producer. Like Hiten was a producer. And that's how I got this song. And that's how like everybody came in sync. And it was just coincidentally this happened to me. पापा से कोई टिप्स मिली आपको कि इसमें ऐसे करना है? सिंगल है जिस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सिंगल को लेकर, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और हिट गाने पे मतलब ऑलरेडी काम करना हो उसका भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो लाइक आई बीन वर्किंग विद माई फादर सिंस अ ईयर नाउ. सो बहुत कुछ वैसे ही सीख लिया था एंड ही जस्ट टोल्ड मी टू बी ऑनेस्ट एंड जस्ट टू हैव फन एंड आई थिंक दैट टिप वॉज द बेस्ट थिंग. अदरवाइज यू नो बिकॉज वैन यू थिंक टू मच एंड प्लान टू मच फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है एंड देन वो मज़ा नहीं आता है काम करते टाइम पे. सो इट वॉज दैट वॉज द बेस्ट टिप आई गॉट. अच्छा रहा एक्सपीरियंस. हम लोग ने दुबई में शूट किया एंड 3 दिन में हम लोग ने क्रेजीली काम किया और टीना गजेंद्र अमन इतना अच्छा टीम था. हम लोगों ने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया. आई होप यू गाइस लाइक इट. आई आल्सो आई मस्ट से दैट दिस सॉन्ग इज शॉर्ट इन 15 आवर्स. या विदाउट स्लीप. हाउ वाज द प्रोडक्शन एक्सपीरियंस? यू टर्न फीचर्स. यस वेरी गुड. Very good. Yeah, he's the most chill out producer. He's the best producer to work with. Like I'm telling him now, you should do movies also. Yes, sure. Okay. Aman, your thoughts? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन. हितोपिया के साथ काम करके मुझे अच्छा लगा. सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये गाना मेरे लिए बहुत बड़ा है. मैं सर के घर पे गया, सर से मिला, मैंने बोला कि ये गाना है और मुझे ऑब्वियसली सर के साथ काम करना था, टीना के साथ काम करना था. इनके साथ ऑलरेडी मैंने एक गाना किया, लास्ट गाना मेरे इन्हीं के साथ था. अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आई होप कि गाना हिट हो जाए. एक्चुअली मैं काफ़ी टेंस था कि कैसा लगेगा सर को गाना और हमारी बात नहीं हो पाई इस बारे में. अभी 2 मिनट पहले ही बात कर रहे थे कि मैं पूछ रहा था कि आपको बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. वी वर ऑल टेंस एंड डिटेल्स में अभी पूछने सर प्लीज रात को बहुत ही सुपर हिट लगा और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का डांस हो गाना हो वो सुपर हिट तब हुआ करता है जिस वक्त सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं.
तो जो ईमानदार है वो सफल है और जो सफल है वो ईमानदार है। और मुझे लगता है कि मैं तारीफ की शुरुआत करूं तो अमन से वर्षानुवर्ष से हम लोग मिल रहे हैं, मुझे ऐसा शायद ही लगा था कि इतना अच्छा वर्क कर पाएगा क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है और इतना अच्छा काम किया है और मतलब कि थॉट्स जो है वो किसी भी तरह से उलझे हुए नहीं है, वेरी क्लीन, इट्स अ क्लीन गजेंद्र जदवे ही हैज सैंग द सॉन्ग एंड the way he's acted and the way he has presented everybody. Yeah, he styled the entire, like, you know, the entire video and I really want to say it was so international and so... तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जो काम कर रहे होते हो बहुत ईमानदारी से जिस वक्त कर रहे होते हो तो वो पल होता है, उस पल में जो चीज़ निकलती है वो कमाल किया करती है और जो स्टेप्स आप अपनी ज़िंदगी में लिया करते हो वो ईमानदारी से काम कर दें तो क्या वर्क करेगा और कितना ह्यूज वर्क करेगा वो मतलब कि शायद ही लोग उसका हिसाब किताब कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि शी शुड वर्क एंड द वे शी इज लुकिंग इन दिस और द वे शी वर्क हार्ड, बहुत अच्छा माहौल तैयार हुआ और बहुत अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम एंड आई वुड लाइक टू से दैट के द वे दे हैव जिस मासूमियत से और ईमानदारी से काम हुआ है वैसे ये करते रहे तो ये कामयाब रहा करे। और बहुत अच्छा हुआ इसे ये डांस नहीं कर रही थी इसमें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है कि यू शुड कम आउट विद योर वॉट एवर गुड यू हैव, जो चीज़ें डायरेक्टर्स से निकलती हैं वो ज़्यादा अच्छी हुआ करती है मुझे ऐसा लगता है। तो जो द वे ही हैज़ मतलब जो क्लीन थॉट्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगा करते हैं क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतना हार्डवर्क करते थे, चाहे क्या क्या फिल्मों के गाने हुए, ये स्ट्रीट डांसर दिस दैट, पर हम लोग की फिल्में हिट हुआ करती थी पर इतना हार्डवर्क करके भी उतनी हिट नहीं होती थी जो डायरेक्टर्स ने जो सोची हुई फिल्में होती थी वो लोगों का जो थॉट हुआ करता था वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो इट्स अ क्लीन थॉट विच वर्क्स। सर, आपके जैसा हरमन मौला कोई और होगा नहीं शायद, क्योंकि आपकी एक्टिंग की बात कर लें, डांसिंग की बात कर लें, इवन आपको संगीत पे जितनी पकड़ है शायद ही किसी को। आपको खुद ये गाना कितना अच्छा लगा, दूसरा एज अ फादर कितना प्राउड फील करते हैं जब बेटी इतना अच्छा काम करे। मुझे क्या लगा कि आप जिस वक्त आप किसी ऐसी पुरानी मतलब अपना ही थॉट रखती हुई एक अलग ही थॉट रखती हुई मतलब इस थॉट के गाने शायद ही पहले कभी आप तो मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए। अब ये जो कश्मकश का गाना है ये थॉट जो है ये तब हुआ करता था, उसे आज ये फिर ले आए तो वो जो जिस तरह से साथ में ब्लेंड हुआ है वो थॉट आई मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो थॉट अच्छा लगा बहुत जिस जो और उसके ऊपर उसे चार चांद अलग से लग गए क्योंकि डायरेक्टर जिस तरह से वो थॉट निकालता है वो प्रोसेस जो है It's looking so nice. Very good. और ये स्टार्ट है फिल्म लाइन में, आप जो हार्ड वर्क कर लीजिए यू शुड नेवर फील प्राउड, यू शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और मैं यही कह रहा था कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तो इसे ऐसे ही ले रहा हूँ कि ये कामयाब हो चुका है क्योंकि आप लोग कामयाब चीज़ से जुड़े हो, जो इसके वर्ड्स हो या जो थॉट हो, और ये यहाँ से ये जो शुरुआत है मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही और आगे निकलेंगे, कामयाब हो जाएंगे और मैं यही दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। क्वेश्चन जो कि जर्नली है सर, हम मुंबई में काफ़ी सालों से रहते हैं, अब मेरे लिए कुछ भी सवाल नहीं पूछे प्लीज़, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका अदरवाइज ना वही चलने लगता था। आरे को लेकर सवाल है, आरे प्लीज रिपीट, आज आज टीना का ही डिस्कस करिए सब, जो जो मैंने बोला है इट्स कमिंग आउट टुमॉरो एट 2 PM राइट? यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, कसम से कमाल है। टेल अस अबाउट दिस टाइलिका एंड हाउ यू डिसाइड, या या एक्चुअली हाउ डिड यू, यू शुड टेल, हां यू शुड से, हम लोग ने लाइक टेल द बिहाइंड द स्टोरी आल्सो प्लीज, ही शुड से द बिहाइंड द स्टोरी व्हेन ही वाज नॉट देयर, या या ही इज नॉट वेल अबाउट शूटिंग। हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर को बोला 5 hours का मुझे लाइक ब्रेक चाहिए, हॉस्पिटल 5 hours मैंने डिस्चार्ज लिया,
इन लोगों की ट्रायल्स के लिए गया, लुक सेट करने गया, वापस आके एडमिट हो गया, रात को 12 बजे डिस्चार्ज लिया, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके दुबई गया शूटिंग करने के लिए. मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा यार बहुत बढ़िया ऐसे इतना अच्छा काम कैसे कर गए. कमाल हो गया था. चूट पहले लोकेशन की पिक्चर आई तो हम लोग ने लाइक वो लैटिन अमेरिकन काइंड ऑफ हम लोग ने थीम सोचा था. और नेक्स्ट डोर पीपल लगने चाहिए. टेलीविजन आप वो देख रहे होते हैं तो 50 गाना चल रहा, वो वही टाइप का ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक ही कंपनी की तरफ से वो पूरा तैयार होके भर आया हुआ है, मतलब छपा है ऐसा लगता है. इसमें ये जो गाना आप लोगों ने जिस तरह से शूट किया है आई थिंक बहुत ही इसमें मुझे फ्रेश लगा ये गाना. और द वे ही हैज डन स्टाइलिंग बहुत बढ़िया. सर कहाँ रहते हो? मेरे को सर सवाल अच्छे है, अगर आप ही को अगर आपका कोई गाना रीमेक करना है तो आप कौन सा गाना रीमेक करना चाहेंगे? एक गाना दो बार करें ये मेरा थॉट नहीं है. मतलब आई डोंट लाइक दिस थॉट. बेसिकली थॉट ही जो समझ में नहीं आ रहा एक गाना दो बार. परंतु मुझे ऐसा लगता है जो गाने जिस वक्त किया करता था जिस फिल्म के तो लोग तो सवाल किया करते थे कि यार ये किस, तू मुझसे मेरा डिस्कस नहीं कर यार. यार तूने लपेट दिया यार मुझे. प्लीज आज ये लोग कहीं सब डिस्कस करना प्लीज. थैंक यू सो मच. आप लोगों को कैसा लगा गाना? I would like to request everyone and all your family members, your friends, your girlfriend, boyfriend, all your colleagues also to tune in tomorrow at 2 p.m. and watch this song for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.